आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपकी कुछ बातों का समाधान करना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि कमेंट बॉक्स में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये पुस्तक जूठन आत्मकथा मैंने कहाँ से खरीदी है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये मैंने दिल्ली में लगने वाले विश्व पुस्तक मेले से खरीदी है, इसके दोनों ही खंड। लेकिन यदि आपको पढ़ने में रुचि है, आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे साइट से भी मंगवा सकते हैं। मैंने देखा है वहां पर ये अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का हार्दिक आभार, जो मेरा इतना हौसला अफजाई करते हैं हर एपिसोड में। और जो आम बोलचाल या क्षेत्रीय बोली मैं बोलती हूँ, वो दरअसल ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा में उन संवादों को उन्हीं क्षेत्रीय भाषा में लिखा भी है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हूल जौहार। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदपुर कॉलोनी में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाती थी। मैं उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करता था। कविता, गोष्ठियां, परिचर्चाएं, पोस्टर, पेंटिंग्स, प्रदर्शनी, नाटक, नुक्कड़ नाटक करते थे। हमारी संस्था मेघदूत नाट्य संस्था के सवर्ण सदस्य ऐसे दिनों में जरूरी काम में उलझ जाते थे। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों के दौरान वे गायब हो जाते थे। ये घटना ठीक वैसी ही है जैसे आपको याद होगा, जब आत्मकथा शुरू हुई थी तो पहले एक प्रसंग था जिसमें पुलिस नौजवानों को जो बेगार करने से मना करते हैं उनको किसी बहाने से उठाकर ले जाती है घरों से और पिटाई करती है चौराहे पर। तब घर जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, वे लोग प्रधान जी के घर जाते हैं उन्हें बुलाने के बीच बचाव करें। लेकिन ठीक ऐन वक्त पर प्रधान जी भी शहर में किसी जरूरी काम से चले जाते हैं। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों के दौरान वे गायब हो जाते थे। गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती, जन्माष्टमी और रामनवमी पर ही वे ऊर्जावान होकर मेघदूत नाट्य संस्था के प्रदर्शनों को सफल बनाने की कोशिश करते थे। यह स्थिति अक्सर हमारे बीच में मतभेदों को उभारती थी। मेरी कोशिशें रहती कि हम सब विसंगतियों पर चर्चा करें, लेकिन सामने बैठकर बात करने से वे कतराते थे। पीठ पीछे बातें बनाते, अंबेडकर के लिए अपशब्द कहते, मेरा खून खौलने लगता। अंत यही हुआ, मैंने इन धार्मिक उत्सवों का बहिष्कार किया। ऐसे रंगकर्मी ढूंढे जो परिवर्तन के आकांक्षी थे। कई दलित नाटकों का मंचन किया। ऐसा ही एक नाटक था मुंबई नगरी, दया पवार का लिखा हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय का एक अधिवेशन चंद्रपुर में हुआ था। मेघदूत नाट्य संस्था के नाटक का मंचन हुआ था। कई बुद्धिजीवियों, लेखकों, प्राध्यापकों ने इस प्रस्तुति पर सार्थक टिप्पणियां की थी। गांव से चिट्ठी आई थी, माँ बीमार है। मैं और चंदा गांव गए थे, एक हफ्ता रुके थे। माँ ठीक हो रही थी लेकिन सूख कर कांटा हो गई थी। माँ को इस हालत में देखकर मैं अपने आप को कमजोर पाने लगा था। कहीं जैसे कुछ बिखर रहा था, सब कुछ जैसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। चंद्रपुर आने के एक सप्ताह बाद ही माँ गुजर गई थी, लेकिन मुझे 2 महीने बाद खबर मिली थी। गांव से देवेंद्र ने पोस्ट कार्ड लिखा था, जो घूमते घूमते 2 महीने बाद मिला था। कार्ड पढ़कर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था। माँ की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होने की पीड़ा कांटे की तरह मेरे सीने में गड़ गई थी, जिसे इतने वर्षों बाद भी भूल नहीं पाया हूँ। पिताजी ने तार कराया होता तो शायद मैं समय पर पहुंचता, लेकिन शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं था। माँ के गुजरने के बाद पिताजी भी बीमार रहने लगे थे। मुझे लगातार ये एहसास टीस दे रहा था, माँ की तरह जैसे पिताजी भी ना गुजर जाएं। वही हुआ, उन्हें देखने गया था। जिस दिन लौट रहा था उसी रोज उनका देहांत हो गया था। मैं शायद ट्रेन में था उस समय। चंद्रपुर आकर कई दिन बाद चिट्ठी मिली थी, तो यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज की पोल भी खुलती है। एक चिट्ठी मिलने में यदि 1 से 2 महीने का समय लगता है, तो ये मैं कोई अच्छी सर्विस तो नहीं कहूंगी। माँ और पिताजी की अर्थी को कंधा देने का अवसर मुझे नहीं मिला था। जिसे बनाने में वे संघर्ष करते रहे, वही उनसे इतना दूर हो गया था। एक ऐसा दुख जिसे मैं अपने मन के तहखानों में छिपा कर बैठा हूं। पहले भी जिक्र हो चुका है प्रसंगों में कि माँ और पिताजी ने कितनी जद्दोजहद की थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को
पारंपरिक कामों से छुड़ाकर पढ़ाई लिखाई की तरफ इनका रुझान करने की, उसके लिए उन्होंने बाकायदा लड़ाई भी लड़ी। और इन वक्त ऐसे वक्त पर जब अपने बच्चों को इंसान पास रखना चाहता है, ऐसे वक्त पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनके पास तो छोड़िए, उनको खबर भी महीनों भर बाद मिली। कानपुर में आर कमल थे, निर्णायक भीम पत्रिका निकालते थे, मेरी रचनाएं लगभग प्रत्येक अंक में छापते थे। एक कार्यक्रम में उन्हें चंद्रपुर बुलाया था। वे एक जुझारू कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। हिंदी में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रसारण कर रहे थे। हिंदी दलित पत्रिकाओं में निर्णायक भीम ने एक खास जगह बनाई थी। दलित रचनाकारों को एक मंच मिला था। महाराष्ट्र के दौरे से लौटकर उन्होंने लिखा था कि हिंदी प्रांतों में दलित चेतना का ऐसा उभार अभी नहीं आया है, इस विषय में लगातार प्रयत्न करने होंगे। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी मेंशन किया है कि दलित चेतना जो थी वो सबसे पहले मराठी रचनाकारों के थ्रू आई और हिंदी में इसको आने में थोड़ा समय लगा था। ऐसे ही मोहनदास नमिश राय भी आए थे, कई जगह उनके कार्यक्रम रखवाए थे। नमिश राय उन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। मेरी गतिविधियां सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई थी, मध्य प्रदेश के कई नगरों में दलित समस्याओं को लेकर कार्यक्रम हुए थे। जैसे जैसे दलित आंदोलन में मेरी सक्रियता बढ़ रही थी, मेरे आसपास के लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे, जैसे मैं उनके वर्चस्व को तोड़ने के काम कर रहा हूं। ऐसे लोगों में ज्यादातर सवर्ण ही थे। उनका इसका असर कार्यालय के सहकर्मियों में भी दिखाई पड़ने लगा था। चंद्रपुर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में आधुनिक प्रगति और सभ्यता का नामो निशान भी नहीं था। स्त्रियां ऊपरी भाग पर कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। खान पान भी बेहद निम्न स्तर का था। वनों पर आधारित खेती के नाम पर सिर्फ ज्वार और मोटा चावल, वह भी वर्षा के भरोसे। इन गांवों में घूम फिर कर जिस भारत के दर्शन हुए थे, वह घोर निर्धन और अंधविश्वासों में डूबा हुआ था। ये 1980 के दशक की बात लिखी जा रही है यहाँ पर। और उस दौर में भी जब हम सोचते हैं कि ये सब की स्त्रियां ऊपर अपने कपड़े ना पहनती हों, अंग वस्त्र ना पहनती हों ऊपरी भाग में शरीर के, ये शायद 16वीं-17वीं शताब्दी की बातें रही होंगी, लेकिन ये आधुनिक भारत की तस्वीर, सच्ची तस्वीर पेश की गई है इस आत्मकथा के जरिए। ऐसे ही एक गांव में एक तांत्रिक ने खेत की फसल बढ़ाने के लिए एक बच्चे की बलि दे दी थी। हम 5-6 मित्र उस गांव में गए थे। लोकमत मराठी दैनिक ने समाचार छापकर पूरे देश का ध्यान इस घटना की ओर खींचा था। पुलिस सक्रिय हुई और तांत्रिक के साथ कई ग्रामीण भी हिरासत में ले लिए गए। इन घटनाओं ने मुझे हमेशा लेखन की ओर प्रेरित किया। अतीत गौरव गान के बजाय जन सामान्य के दुख दर्द को अपने लेखन में उतारना ज्यादा सार्थक लगा। यदि जूठन आत्मकथा के केंद्र बिंदु की तरफ हम नजर डालते हैं तो ये आत्मकथा न सिर्फ दलितों के यथार्थ जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, बल्कि विषम परिस्थितियों में, विरोधी परिस्थितियों में भी किस तरह अपना संयम बरतकर अपने आत्मसम्मान के लिए अपने आत्मबल को संचित कर दोबारा उठ खड़े होने का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। वर्ष 1984 का जनवरी महीना था। अमरावती जिले के मलकापुर स्थान पर एक ऐसी घटना घट गई थी जो संकीर्ण मनोवृत्ति की निष्कृत प्रतीत थी। 7वीं कक्षा की मराठी पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर पर एक पाठ था। एक ब्राह्मण शिक्षक के आदेश पर सभी छात्रों ने अपनी पुस्तक के उस पाठ के पृष्ठ फाड़ दिए थे। कक्षा में महार जाति के भी कुछ छात्र थे जिन्हें बाबा साहब के पाठ को फाड़ देने का फाड़ देना अनुचित लगा था। उन विद्यार्थियों ने पुस्तक के वे पन्ने चुपके से जाकर कूड़ेदान से उठा लिए थे और अपने अपने घरों में जाकर दिखाए थे। बात फैल गई थी, विरोध शुरू हुआ। किसी ने घटना का ब्यौरा में फटे पन्नों के लोकमत मराठी अखबार के नागपुर कार्यालय को भेज दिया। लोकमत ने उन पन्नों के चित्र समाचार सहित छाप दिए। समाचार छपते ही विदर्भ में जगह जगह विरोध और निषेधात्मक जुलूस सभाएं होने लगी। दलित अस्मिता का प्रश्न बन गई थी ये घटना। भद्रावती में भी एक बड़ी सभा हुई थी। कई हजार लोग इस सभा में आए थे। भद्रावती के आसपास के गांव से जत्थे के जत्थे आए थे। इस सभा को संबोधित करने का अवसर मुझे भी मिला था।
अधिकतर वक्ताओं ने मराठी में वक्तव्य दिए थे, मैं हिंदी में बोला था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था। भीड़ में सुगबुगाहट थी। दलित आंदोलन से जुड़ने का एहसास मुझे तीव्रता से महसूस हो रहा था। विद्रूप चेहरा शीर्षक से कविता उन्हीं दिनों लिखी थी, जिसे कई पत्र पत्रिकाओं ने छापा था। यह दलित आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज हो रहा था। कई स्थानों पर सवर्णों ने दलितों की सभाओं और जुलूसों पर पथराव किए थे। पुलिस निष्क्रिय थी। शिक्षा विभाग की ओर से भी उस शिक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि देश के संसाधनों पर, देश की संस्थाओं पर एक खास जाति के, एक खास वर्ण के लोगों का हमेशा दबदबा रहा है। सारी संस्थाएं, सारे सरकारी महकमे उनके अधीन रहे हैं, तो ऐसे में दलित लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस किस तरह निष्क्रिय होकर खड़ी हुई देखती रही, जबकि अगर ये पथराव दलित आंदोलनकर्ताओं की तरफ से हुआ होता तो पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती। और जैसे डॉक्टर अंबेडकर का ये फाड़ा गया 7वीं क्लास के टेक्स्ट बुक से, वैसे ही जो लोग ये कहते हैं कि ये सब तो पुरानी घटनाएं हैं, अब ऐसी नहीं होती, तो उनका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी कि 2018 में जूठन के अंग्रेजी संस्करण को हिमाचल विश्वविद्यालय के पाठ्य पुस्तक से निकाल देने पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हुआ था, और काफी जद्दोजहद के बाद ये बनी रही थी पाठ्यक्रम में। जगह जगह निषेधात्मक सभाएं हो रही थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश जारी थी। दलितों में स्वाभिमान जाग रहा था। इस घटना ने मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित किया था। मेरा अधिक से अधिक समय दलित बस्तियों में गुजरने लगा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी के पास सुमठाणा गाँव था, भद्रावती तहसील थी, जहाँ दलित बस्तियों में अनेक सामाजिक कार्यक्रम चलाए गए थे, स्कूल भी खोले गए थे और अनेक साथी पहले से ही सक्रिय थे। कई संस्थाएं थी। उमेश मेश्राम भद्रावती में एक संस्था चला रहे थे। स्कूल और पुस्तकालय भी, जहां डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध साहित्य प्रचुरता में उपलब्ध था। उमेश मेश्राम अपने कार्यक्रमों में मुझे अक्सर बुलाते थे। भद्रावती में एक प्राचीन बौद्ध गुफा थी, जहां बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के अनेक कार्यक्रम होते थे। उमेश मेश्राम और उनके साथियों ने मिलकर बौद्ध साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मराठी के अनेक दलित साहित्यकारों से भेंट हुई थी। ज्योति लांजेवार, भीमसेन देठे, लोकनाथ यशवंत, भगवान ठग आदि से परिचय बढ़ा था। डॉक्टर गंगाधर पान तावड़े जी से पत्र व्यवहार तो था, लेकिन कभी मिलने का अवसर नहीं आया था। एक दिन अचानक लोकनाथ यशवंत ने खबर भेजी कि पान तावड़े गुरु जी बाबा आमटे के आश्रम में होने वाले आनंद मेले में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर गंगाधर पान तावड़े जी को अधिकतर साथी पान तावड़े गुरु जी ही कहकर संबोधित करते थे। आनंद मेले में लगभग प्रतिवर्ष में जाता था। वरोरा में स्थित बाबा आमटे का आश्रम था, जहां कुष्ठ रोगियों का इलाज करके उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता था। मदर टेरेसा जैसे ही बाबा आमटे का भी व्यक्तित्व रहा है। यदि आप इनके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो गूगल सर्च करके भी जानी जा सकती है इनके बारे में। इसी आश्रम में प्रत्येक वर्ष आनंद मेले का आयोजन होता था। महाराष्ट्र के तमाम साहित्यकार, बुद्धिजीवी, कलाकार इस मेले में आते थे। 2 दिन चलने वाले इस मेले में सभी लोग सहज भाव से शामिल होते थे। पीएल देशपांडे, मराठी के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, व्यंग्यकार, कथाकार से यही मुलाकात हुई थी। वसंतराव देशपांडे, भीमसेन जोशी, किशोरी अमोणकार आदि का गायन भी आनंद मेले में ही सुनने का अवसर मिला था। लोकनाथ यशवंत से मिला था। पान ताड़वे गुरु जी सहजता से मिले थे। ना कोई दिखावा, ना आडंबर, ना बौद्धिकता का ढोंग। हिंदी के उच्चारण में मराठी का प्रभाव था। वे धीमे धीमे बोल रहे थे, लेकिन शब्द जैसे एक गहन अनुभूति से पके हुए। कई दिन तक इस छोटी सी मुलाकात का नशा मेरे मन पर छाया रहा। पान तावड़े गुरु जी ने मेरी कविताओं का अनुवाद मराठी में किया था। सचमुच मुझ जैसे एक अनजान कवि के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अस्मिता दर्श पत्रिका ने मराठी दलित साहित्य के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया था जिसने नए नए रचनाकारों को ऊंचाई दी थी। डॉक्टर गंगाधर पान तावड़े जी ने संपादक के नाते अपना कर्तव्य निभाया था। उनका योगदान दलित साहित्य में मील का पत्थर था। पहले भी जिक्र हो चुका है कि डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले ने
एक भूमि तैयार करी थी महाराष्ट्र में, खासकर नागपुर के आसपास के इलाकों में, और वहाँ मराठी दलित साहित्य सबसे पहले उभरा। उसके बाद ये हिंदी और बाकी सब में भी इसका फैलाव रहा। कुरैशी से एक कवि सम्मेलन में मुलाकात हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। हम उम्र, मिलनसार, साहित्य कभी रुचि के दुबले पतले कुरैशी नागपुर के रहने वाले थे। अनिच्छा से पुलिस की नौकरी में आए थे। पुलिस वाला बनने में उन्हें वक्त लगा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट में पुलिस चौकी के प्रभारी थे। पुलिस चौकी के पास ही DSC लाइन के एक बंगले में रहते थे। दो चार मुलाकात के बाद ही हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे। कुरैशी को जब भी रात की ड्यूटी पर कहीं जाना होता था या दो चार दिन के लिए बाहर जाते थे, श्रीमती कुरैशी को मेरे यहाँ छोड़ जाते थे। वे बहुत खूबसूरत थी। पुलिस लाइन में उन्हें अकेला छोड़ना कुरैशी को स्वीकार्य नहीं था। देखिए, पुलिस वाले होकर ही पुलिस वालों पर उन्हें कोई भरोसा नहीं था। क्या सिस्टम है। कई बार तो रात 2-2.5 बजे भी श्रीमती कुरैशी को मेरे यहाँ लेकर आए थे। चंदा और श्रीमती कुरैशी में खूब पड़ती थी। उनके दो जुड़वा बैठे थे, बहुत ही प्यारे थे। चंदा ने उनका नाम राम और श्याम रख दिया था। कुरैशी भी उन्हें इसी नाम से बुलाता था। हम लोगों से वे दोनों काफी घुल मिल गए थे। कुरैशी के बराबर के बंगले में DSC के नए कमांडेंट तबादला होकर आए थे। मुजफ्फरनगर जिले के ही रहने वाले थे। कुरैशी को पता चला तो मुझसे जिक्र किया, आपके जिले के हैं, आज शाम को आ जाओ, मुलाकात करा देंगे। मैंने कोई विशेष इच्छा व्यक्त नहीं की थी। कुरैशी ताड़ गया था, कुछ नाराज हुआ था। अजीब आदमी हो, अपने ही जिले का व्यक्ति, इतनी दूर मिल जाने पर कोई खुशी नहीं। मैंने कहा, क्या होगा मिलकर? मिलते ही पहले जाति पूछेगा, जाति पता चलते ही उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, फिर भला मुझे क्यों खुशी होगी। कुरैशी ने अजीब सी कड़वाहट से कहा, वाल्मीकि, तुम इस खोल से बाहर कब निकलोगे? उस रोज हम दोनों में इस बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई थी। आखिर में यह तय हुआ कि चलो परीक्षण के तौर पर मिलते हैं। कुरैशी का मानना था फौज के लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, तुम भयभीत हो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर शक करते हो। अगले रोज मैं चंदा के साथ कुरैशी के बंगले पर गया। श्रीमती कुरैशी के हाथ की बिरयानी खाने का स्वाद ही कुछ अलग था। चंदा को वहीं छोड़कर मैं कुरैशी के साथ कमांडेंट के बंगले पर गया। वे बरामदे में ही मिल गए थे। कुरैशी ने मेरा परिचय करवाया, सिर्फ ओम प्रकाश ही नाम बताया था, वाल्मीकि को गोल कर दिया था। कहीं ना कहीं कुरैशी साहब को भी ये अंदेशा हो गया होगा कि वाल्मीकि बता देने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सरनेम वाल्मीकि को गोल कर दिया। कमांडेंट साहब गर्मजोशी से मिले थे, यह सुनकर खुश हुए थे कि मैं बरला का रहने वाला हूं। अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे कि उन्होंने शुरू कर दिया, बरला तो त्यागियों का गांव है, आप किस जाति से हैं? मैंने कुरैशी की ओर देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया था। प्रश्न स्वाभाविक तौर पर पूछा गया था। कमांडेंट के चेहरे पर उस समय सहजता थी। मैंने जैसे ही अपनी जाति जोहड़ा बताई, वे असहज हो गए। साथ ही बातचीत का सिलसिला भी थम गया, जैसे बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं था। कुरैशी के लिए ये नया अनुभव था। मैंने कुरैशी से कहा कि चलें या कुछ और बाकी है। कुरैशी का मूड उखड़ गया था, वह उठकर खड़ा हो गया था। अच्छा कमांडेंट साहब, चलते हैं। कुरैशी और मैं अपने बंगले से बाहर आ गए थे। अगले रोज कमांडेंट ने कुरैशी को समझाने की कोशिश की थी। कुरैशी साहब, हमारे जिले में इन्हें, मेरी ओर इशारा था, नीच जात माना जाता है। घर की दहलीज के भीतर इनका प्रवेश नहीं होता, और आपका उठना बैठना है, साथ में खाना भी खाते हैं। कुरैशी ने उनके उपदेश को वहीं विराम लगा दिया था। उस रोज के बाद उन दोनों में दुआ सलाम भी खत्म हो गई थी। कुरैशी मेरे और करीब आ गया था। तो यहाँ पर अगर हम तुलनात्मक बात करें तो एक तरफ सहधर्म के लोग हैं जो जात पात मानकर इनको नीच समझते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो जात पात, वर्ण या धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर भी सोचते हैं। कुरैशी साहब और उनकी धर्मपत्नी ऐसे ही थे। अपने बेटों का नाम राम और श्याम कितनी सहजता से उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और एक कमांडेंट साहब जो आज भी फौज में रहते हुए, जैसा कि कुरैशी साहब ने जिक्र किया कि फौज के लोग जात पात नहीं मानते, जबकि यहाँ पर
इस प्रसंग को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि फौज में भी जात पात किस तरह आज भी कायम है। आज का एपिसोड यहीं पर विराम देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद।